नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है, जहां नए सदन में आज पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने शपथ ली, जिसके बाद से वे सदन के आधिकारिक सदस्य बन गए। वहीं इस बार कई सांसद ऐसे हैं जो पहली बार सांसद पद की शपथ ले रहे हैं। इनमें कुल 280 सांसद शामिल हैं, जिनमें से 45 सांसद यूपी के हैं। वहीं सांसद बनने के बाद उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है और उनका औहदा भी पहले से बढ़ा है। वो आम से खास लोगों की गिनती में आ गए हैं। ऐसे में जिम्मेदारियों के साथ साथ सांसद को मिलने वाली सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक सांसद को आखिर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और एक सांसद को कितनी सैलरी हर माह दी जाती है। 18वीं लोकसभा में संसद पहुंचे सांसदों में अधिकतर सांसद वो हैं जो पहली बार सांसद बने हैं। इनमें 52% सांसद ऐसे हैं जो पहली बार पद की शपथ ले रहे हैं। ये कुल 280 सांसद हैं। अकेले उत्तर प्रदेश से 45 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद पहुंचे हैं। वहीं महाराष्ट्र से 33 सांसद पहली बार चुने गए हैं। ये सभी निर्वाचित सांसद लोकसभा सदस्य की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे। आपको बता दें, सांसद चुने जाने के बाद मोटे तौर पर सदस्यों को सैलरी के साथ कई भत्ते, यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन, पेंशन आदि सुविधाएं दी जाती हैं। 11 मई 2022 की सैलरी और भत्ते में किए गए बदलावों के अनुसार सांसदों को 1,00,000 रुपए सैलरी दी जाती है, जिसके अलावा घर पर मीटिंग को लेकर हर दिन के 2,000 रुपए अलाउंस के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा सांसद को सदन सत्र, कमेटी की मीटिंग आदि अटेंड करने के लिए ट्रैवल की सुविधा दी जाती है। इसके लिए सांसदों को सत्र में आने और जाने के लिए ट्रैवल का पैसा दिया जाता है। इसके अलावा सांसदों को कुछ यात्राओं के लिए रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच में फ्री यात्रा मिलती है और परिवार को लेकर भी कुछ नियम हैं। इसमें कुछ यात्राओं में परिवार के सदस्यों को भी छूट मिलती है। वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप के सांसदों को स्टीमर की सुविधा दी जाती है। इसके साथ ही हर सांसद को अपने साथ ऑफिस कार्यालय के खर्चों के लिए भी पैसे मिलते हैं। अगर टोटल देखें तो सांसद को सैलरी में 1,00,000 रुपए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 70,000 भत्ता, कार्यालय खर्च के लिए करीब 60,000 रुपए और दैनिक भत्ता मिलता है। बता दें कि इन सांसदों में जो मंत्री होते हैं उन्हें अलग सुविधाएं मिलती हैं। अगर पेंशन की बात करें तो कोई भी सांसद कितने भी दिन तक सांसद रहे, उन्हें हर सत्र के हिसाब से हर महीने 22,000 रुपए पेंशन और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अगर वो दूसरे सत्र में भी सांसद रहते हैं तो उन्हें अगले सत्र की भी पेंशन मिलती है। तो देखा आपने, एक सांसद की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्हें कई सुविधाएं भी मिलती हैं। हालांकि उम्मीद यही रहती है कि जिस तरह से उन्हें एक सांसद के तौर पर सारी सुविधाएं और ठाट बाट मिल रहे हैं, उसी तरह से वो अपना काम भी करें और जनता से किए वादों को समय रहते पूरा करें, सदन के अंदर ली गई शपथ का ईमानदारी से निर्वहन करें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।